हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम शुरू करने वाले हैं थर्ड टाइप ऑफ एडजस्टमेंट, विच इज एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। लाइक मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें ट्रायल बैलेंस के साथ दी होती है फाइनल अकाउंट्स के लिए, वो चार कैटेगरीज में बांट सकते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड इट फुली। फर्स्ट कैटेगरी थी जिसमें हमें सिर्फ डिटेल्स दे रखी थी, तो वो एडजस्टमेंट्स एज सच हमें कुछ भी करने को नहीं कह रही है, हमें डिटेल लिख देनी है जहां भी नोट बनेगा। सेकेंड टाइप ऑफ एडजस्टमेंट थी जिसमें रेक्टिफिकेशन मांगा गया है, मतलब जो ट्रायल बैलेंस आपने ड्रॉ किया है उसको बनाने में कहीं मिस्टेक हो गई है तो उसको ठीक कर दो। सो रेक्टिफिकेशन एंट्री आप ट्रायल बैलेंस में एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये है हमारी मेन एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू इनकम एंड एक्सपेंसेस, मतलब जो आपके इनकम या एक्सपेंसेस का पार्ट है उनसे रिलेटेड एडजस्टमेंट्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। सो एक्चुअली ये वो ट्रांजेक्शन हैं जो अभी तक हमने रिकॉर्ड नहीं किए हैं, ये बाद में नोट की हैं। सो जब भी हम एडजस्टमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं हमें क्या याद रखना है कि क्योंकि ये अनरिकॉर्डेड है सो इसके डुअल इफेक्ट हमें रिकॉर्ड करने हैं, क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन हो डबल एंट्री सिस्टम ये कहता है कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज मिनिमम टू इफेक्ट्स एंड बोथ मस्ट बी रिकॉर्डेड। सिमिलरली जब हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये एडजस्टमेंट्स दे देंगे इनकम और एक्सपेंस की, तो ये वो ट्रांजेक्शन्स हैं जो हमने एंड में आके नोट की हैं, तो ये रिकॉर्ड नहीं की गई है। सो अब हमें क्या करना है, इनके दोनों इफेक्ट्स को, डेबिट और क्रेडिट के दोनों इफेक्ट्स को हमें रिकॉर्ड करना है। सो आप क्या करोगे, आपको जो भी ट्रांजेक्शन दी होगी उसका डबल इफेक्ट नोट करोगे और जहां भी ये इफेक्ट जाना है उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। राइट नाउ हम क्या कर रहे हैं, हम इन एडजस्टमेंट्स को समझेंगे कि इनका इफेक्ट पीएनएल में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा या दोनों में एक एक इफेक्ट जाएगा। सो ये हमारे इनकम और एक्सपेंस का पार्ट होगी और एसेट्स और लाइबिलिटीज का पार्ट होगी, इसके अकॉर्डिंगली हम एडजस्टमेंट्स को समझ रहे हैं। जो इनिशियल एडजस्टमेंट्स हैं ये बहुत कॉमन एडजस्टमेंट्स हैं जो आपने पहले भी पढ़ी होंगी। तो क्लोजिंग स्टॉक नंबर वन, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है कि शुरू में हमारे पास एक स्टॉक है, उसके बाद जो परचेज करते हैं वो स्टॉक परचेजेस अकाउंट में लिख देते हैं, जो सेल करते हैं उसको सेल्स अकाउंट में लिख देते हैं। सो एट द एंड कंपनी क्या करती है, अपने स्टॉक को जाके वेरीफाई करती है, या तो वो स्टॉक लेजर ओपन करती है कि भाई इतनी परचेजेस हुई थी, इतनी सेल कर ली तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा, उसको मेजर कर लेते हैं। आपने इन्वेंटरी वैल्यूएशन चैप्टर में मेजरमेंट की टेक्निक्स भी समझी होंगी, ठीक है। सो अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, नंबर वन ये एक आपकी एसेट है, सो एज एन एसेट ये हमारा करंट एसेट्स इन्वेंटरीज के अंदर बैलेंस शीट में जाएगा। जस्ट रिमेम्बर बैलेंस शीट में करंट एसेट्स का कंपोनेंट होता है इन्वेंटरीज, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक उसमें जाएगा। सेकेंडली क्योंकि ये आपका स्टॉक बच गया है सो आप जब कॉस्ट ऑफ मटेरियल या कॉस्ट ऑफ स्टॉक सोल्ड लिखोगे तो उसमें इसको यूज करोगे टू कैलकुलेट चेंजेस इन द इन्वेंटरी, क्योंकि हमें ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक दे रखा होता है और एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक, तो दोनों को कंपेयर करके आप देख सकते हो कि स्टॉक का हमारा इन्वेंटरी का चेंज कितना है, ठीक है ना, क्योंकि हम इसकी नॉर्मली एंट्री करते नहीं है। तो ये दोनों चीजें होती हैं, ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि स्टॉक में कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, वो एज इट इज अकाउंट चलता है, परचेज अलग चली जाती है, सेल अलग सेल अकाउंट में जाती है, तो स्टॉक अकाउंट एज इट इज रह जाता है, वो शो कर रहा होता है ओपनिंग बैलेंस। एंड में आके हम क्लोजिंग स्टॉक मेजर कर लेते हैं तो दोनों का चेंज नोट कर लेते हैं कि ऑन द होल हमारा स्टॉक बढ़ गया या कम हो गया, सो वो चेंज हम इनकम स्टेटमेंट में लिखते हैं, आप उसका फॉर्मेट देख सकते हो। अब यहां पर इश्यू क्या आ जाता है, कई बार हमें क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में नहीं दिया होता बट क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमें गिवन है ट्रायल बैलेंस में। इसका मतलब क्या है कि आपने क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कर ली है, सो आपने ओपनिंग स्टॉक को भी परचेजेस में ऐड कर दिया और क्लोजिंग स्टॉक को वहां पे रिकॉर्ड करके अलग से लिख दिया, सो इट मींस इसकी एंट्री हो चुकी है। तो जब ये ट्रायल बैलेंस में है उसको सिर्फ एक ही जगह जाना है, तो इसका नेचर क्या होता है, स्टॉक इज एन एसेट, तो इन दैट केस ये सिर्फ इन्वेंटरीज में जाएगी, फिर चेंज नोट नहीं करेंगे, इट मींस कि हमने परचेजेस में इसे नोट कर लिया है, ठीक है ना। सो आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। अगर ये एडजस्टमेंट है तो इसके दोनों पोस्टिंग है, बट अगर ये रिकॉर्डेड है ट्रायल बैलेंस में इसका मतलब एंट्री हो चुकी है, अब सिर्फ इसका इफेक्ट, इस अकाउंट का नेचर देखो, ये इनकम है, एक्सपेंस है, एसेट है, लाइबिलिटी है, तो ये एसेट होती है स्टॉक हमारा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर इसको बेच के हम पैसा कमाने वाले हैं, सो इसलिए इसको यहां लिख दिया जाएगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपेंसेस से रिलेटेड। दो तरह की एडजस्टमेंट्स होती हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। अब दोनों का नेचर समझ लो, ये सब आप पहले भी पढ़ चुके हो, सो हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है एक्सपेंस का वो पार्ट जो आउटस्टैंडिंग है, मतलब आप पे नहीं कर पाए। सपोज आपने रेंट पे बिल्डिंग ली, 1000 रुपीज पर मंथ रेंट था, आपने दिसंबर तक रेंट दिया। अब जनवरी में आके क्या हुआ कि कुछ कैश की पोजीशन स्ट्रांग नहीं थी, तो आपने जनवरी फरवरी मार्च में रेंट नहीं दिया। सो आपका जो रेंट पेड है वो तो 9 मंथ्स का हो गया, वो रिकॉर्डेड होगा। अब जो आपने पे नहीं किया, जब पे ही नहीं किया रिकॉर्ड भी नहीं किया, लेकिन एंड में आके एडजस्ट करना तो पड़ेगा। सो एंड में आपको नोट दे दिया आउटस्टैंडिंग रेंट है 3000। तो अब ये क्योंकि आपका करेंट ईयर की एक्सपेंस का पार्ट है, आपने पे नहीं किया बट रेंट तो देना बनता है ना, क्योंकि आपने बिल्डिंग तो यूज की है। सो ये आपके एक्सपेंस का पार्ट है, इट शुड बी एडेड इन द रेलेवेंट एक्सपेंस। सेकेंडली, क्योंकि ये पे नहीं किया, इसका मतलब ये पेबल है। जो चीजें हमने पे नहीं की हैं पर हमें पे करनी है वो पेबल होती है। सो ये हमारा पेबल है, सो ये एक करंट लाइबिलिटी का पार्ट है, जिसमें इसे अदर करंट लाइबिलिटीज में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, ठीक है। इसका मतलब एक्सपेंस एडवांस ने पे कर दिया। सेम एग्जांपल अगर ले, मान लो आपने बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है 1000 रुपीज पर मंथ, आपके लैंडलॉर्ड को पैसे की जरूरत है, तो वो मार्च में ही आपको कहते हैं कि मुझे 3 महीने का रेंट एडवांस में दे दो। सो आप क्या करते हो, नेक्स्ट मंथ का रेंट उसको दे देते हो, नेक्स्ट 3 मंथ्स का रेंट उसको एडवांस में दे देते हो, क्योंकि आपका पैसा गया है तो आप लिख दोगे रेंट पे कर दिया 3000 रुपीज। बट वो आपके एक्सपेंस का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये तो नेक्स्ट ईयर के लिए दिया है, ठीक है ना। सो ये आपकी बन गई एसेट, क्योंकि अब नेक्स्ट ईयर में हमें ये 3 महीने रेंट नहीं देना पर हमें सर्विस मिलती रहेगी, और क्योंकि ये एक्सपेंस का पार्ट नहीं है तो इसे एक्सपेंस में से माइनस कर देते हैं। सो प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस एक्सपेंसेस में से माइनस करते हैं और अलग से एसेट की तरह से दिखाते हैं, क्योंकि ये पे कर चुके हो, एसेट बन गई है। आउटस्टैंडिंग हमारी लाइबिलिटी होती है, लाइक सैलरी है सपोज आपकी 20,000, इसमें से 5,000 आपका एडवांस है, तो एडजस्टमेंट में दे रखा है प्रीपेड सैलरी है 5,000। दैट मीन्स आपका जो इस ईयर का सैलरी का एक्सपेंस है वो सिर्फ 15,000 है। ये याद रखो, आउटस्टैंडिंग पीछे को बिलोंग करता है और प्रीपेड आगे को जाता है। सो ये प्रीपेड नेक्स्ट ईयर के लिए है, ठीक है। सो ये आपका एक्सपेंस में से माइनस हो जाएगा और एसेट बन जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर हमें सैलरी नहीं देनी पड़ेगी बट एम्प्लॉई तो काम करेगा ना, हमें बेनिफिट तो मिलेगा। अब एक चीज और यहां पे याद रखो, जब भी हमारे एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग या एडवांसेस होते हैं तो कुछ एक एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो रेट बेस्ड होते हैं। जैसे आपने लोन दे रखा है या डिबेंचर्स इश्यू कर रखे हैं, सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आपको एनुअली देना है, ठीक है ना। बट उसकी जो ड्यू डेट होती है उसके बेसिस पे हम उसकी एंट्री करते हैं। मान लो आपने डिबेंचर्स इश्यू किए थे सपोज 1 अक्टूबर को, तो उसका इंटरेस्ट हर बार 1 अक्टूबर को ड्यू होगा। तो आप जब 31 मार्च को अकाउंट बनाओगे उस टाइम तक आप इंटरेस्ट लिखोगे ही नहीं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट अभी ड्यू नहीं हुआ, इंटरेस्ट ड्यू होगा 30 सितंबर को। लेकिन क्योंकि 6 मंथ्स बीत चुके हैं तो 6 मंथ्स का एक्रूड इंटरेस्ट आपका एक एक्सपेंस ऑफ द ईयर माना जाएगा और वो आपके लाइबिलिटी भी बन जाएगा। सो जब भी हमें रेट दे रखी हो, चाहे वो डिबेंचर इंटरेस्ट है, चाहे वो रेंट का रेट है या कोई और रेट है, तो रेट दे रखा हो तो हमें आउटस्टैंडिंग और एडवांसेस अपने आप सॉल्व कर लेने होते हैं। वो फिर हमारा क्वेश्चन नहीं कहेगा कि आप आउटस्टैंडिंग रेंट लिखो या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिखो। अगर रेट मेंशन कर दिया तो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड खुद निकाल लो। मान लो आपने 10% डिबेंचर्स जो है वो इश्यू कर रखे हैं 1 लाख रुपीज के, इसका मतलब इसका एनुअल इंटरेस्ट बनेगा 10,000। सपोज इस ईयर में आपको इंटरेस्ट पेड लिखा हुआ है 7500, इट मीन्स 2500 आपने अभी पे नहीं किया, तो आपका एक्सपेंस तो पूरा आएगा 10,000, दैट इज 7500 पेड और 2500 आपका ड्यू या एक्रूड। सो ये पूरा आएगा आपके पास और आप इसको टोटल 10,000 शो करोगे, जिसमें से 2500 जो है वो आपकी लाइबिलिटी बनेगा। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जब भी रेट दे रखा होता है उस टाइम पर जरूरी नहीं है आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड अलग से बताएं, वो हमें सॉल्व करने होते हैं, दैट इज अवर वर्क। ऑलराइट,
सिमिलरली अब आ जाओ इनकम्स पर, तो इनकम भी आउटस्टैंडिंग और एडवांस में हो सकती है. सो आउटस्टैंडिंग बिलोंग्स टू करेंट ईयर, जो आउटस्टैंडिंग है वो पिछले पीरियड का है, मतलब जो ईयर बीत गया. सो आउटस्टैंडिंग इनकम इस ईयर का इनकम का पार्ट है, तो उसको इनकम में एड कर देते हैं. और क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग मतलब अब हमें मिलेगी, सो एज एन एसेट इसको करेंट एसेट्स में अदर करेंट एसेट्स कैटेगरी के अंदर लिखेंगे. जैसे मान लो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है 10% बॉन्ड्स में, 8 लाख रुपीज इसकी वैल्यू है, इसकी फेस वैल्यू 10 लाख है. अब ये याद रखो, जब भी हम शेयर्स में, डिबेंचर्स में या किसी तरह के बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको खरीदते तो हम स्टॉक मार्केट में है, सो उनका परचेज प्राइस अलग हो सकता है उनकी फेस वैल्यू से, लेकिन जो उनका इंटरेस्ट होता है वो हमें फेस वैल्यू पे मिलता है. सो 10% इंटरेस्ट हमें इस पे मिलना चाहिए, मतलब 10% ऑफ 10 लाख, 1 लाख रुपीज इंटरेस्ट होना चाहिए. पर हमें मिला है 50,000, तो हम मान लेंगे 50 मिल गया, 50 आउटस्टैंडिंग है, टोटल 1 लाख. अब ये जो आउटस्टैंडिंग पार्ट है, ये हमें क्योंकि मिलना है, तो ये हमारी अदर करेंट एसेट भी बन जाएगी. अगेन याद रखो, जब भी परसेंटेज रेट मेंशनड हो तो कैलकुलेशन खुद कर लो, ठीक है ना. सिमिलरली इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगर कोई एडवांस में इनकम मिल गई है तो वो हमारी इनकम में से कट जाएगी, क्योंकि ये एडवांस है, एडवांस फ्यूचर के लिए होता है, आगे के लिए मिला है, तो वो इस ईयर का पार्ट नहीं है, उसको माइनस कर दो और इसको एज अ लाइबिलिटी शो करते हैं. रीजन भी, हमने पैसा ले लिया लेकिन काम तो नहीं किया ना, इनकम एडवांस में ले लिया लेकिन अभी काम तो किया नहीं, तो अब नेक्स्ट ईयर हमें काम करना पड़ेगा, सर्विसेज देनी पड़ेंगी और पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसा हम ऑलरेडी ले चुके हैं इसी ईयर में. सो ये एक लाइबिलिटी बन गई, ठीक है ना. सो ये आ जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन. सो डेप्रिसिएशन टर्म यूज होती है फिक्स्ड एसेट्स जो टेंजिबल हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्स्चर, ग्लूज, टूल्स. और अमोर्टाइजेशन टर्म यूज होती है इनटेंजिबल्स के लिए, जैसे जब गुडविल को राइट ऑफ करते हैं उसके प्रोसेस को अमोर्टाइजेशन कहते हैं. पेटेंट्स और कॉपीराइट की वैल्यू को धीरे धीरे खत्म करने के प्रोसेस को अमोर्टाइजेशन कहेंगे, बट प्लांट की वैल्यू को जब हम धीरे 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 खत्म करते हैं वो डेप्रिसिएशन कहलाती है. टर्म अलग है लेकिन काम एक ही है, वैल्यू को खत्म करना है, क्योंकि एक्चुअल में ये चीजें एक लिमिटेड लाइफ के साथ आती हैं, तो इनकी लाइफ खत्म हो रही है, तो हमें बुक्स में भी अमाउंट कम करनी है. सो क्या करते हैं, इनको डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन में एज एन एक्सपेंडिचर ले लेते हैं, क्योंकि ये हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है. और सेकेंडली इनको रेलेवेंट फिक्स्ड एसेट्स में से माइनस करेंगे, क्योंकि इससे फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम होती है. इनकेस आप इसकी एंट्री सोचते हो तो क्या होती है, डेप्रिसिएशन टू सो एंड सो एसेट, मतलब डेप्रिसिएशन एक चार्ज बन गया, एज अ चार्ज, एज एन एक्सपेंडिचर इनकम स्टेटमेंट में आ गया, और सेकेंडली इससे एसेट की वैल्यू कम हो गई, तो उसे एसेट में से माइनस कर दो. इसी तरह से कई बार कंपनी के पास कुछ एक्यूमुलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स. आपने शेयर या डिबेंचर इश्यू किया डिस्काउंट पे, तो आपके पास डिस्काउंट आ गया, अब ये लॉस है, इसको राइट ऑफ करने, सो इसको भी धीरे धीरे राइट ऑफ किया जाता है. सो जितना भी अमाउंट आपका रिटर्न ऑफ हो उसको आप अदर एक्सपेंसेस में लिख दोगे, क्योंकि ये एक्सपेंस का पार्ट है. और जो अमाउंट बच गया, मतलब इसे माइनस कर दो रेलेवेंट अमाउंट में से, जो बच गया वो वापिस आपका अदर करंट एसेट्स में आ जाएगा. मान लो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपके 50,000 के थे, ठीक है, उसमें से 10,000 अब आपको राइट ऑफ करने हैं, तो 10,000 तो इस ईयर का चार्ज हो गया, 50 में से 10 राइट ऑफ हो गया, तो 40,000 हमारा अदर एसेट्स में आ जाएगा. सो ये वो ट्रांजेक्शन्स हैं जो हम पहले भी कई बार कर चुके हैं 11th में, 12th में, ठीक है ना. सो इनको हम फटाफट से रिवाइज कर सकते हैं और किसी भी क्वेश्चन में इनकी ये जो डबल एंट्री है, डबल इफेक्ट है, वो पोस्ट कर देंगे. और फिर जब जब अमाउंट हम इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट में लेंगे, हमें एडजस्ट करके अमाउंट लेने होंगे, ठीक है ना. अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू डेटर्स एंड बैड डेट्स. जैसे आपके पास डेटर्स है, डेटर कौन होता है, डेटर होते हैं वो लोग जिन्होंने हमें पैसा देना है क्योंकि हमने उन्हें क्रेडिट में सेल की है. जब भी हम क्रेडिट सेल करते हैं हमारे डेटर्स जनरेट होते हैं, और ये डेटर्स हमें आने वाले टाइम में धीरे धीरे जो भी हमारी और उनकी ट्यूनिंग है, जो भी हमारी पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंगली वो हमें पैसा देते हैं. बट कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे कुछ डेटर्स ऐसे हैं जो इनसॉल्वेंट हो गए या किसी और वजह से हमें पैसा नहीं दे पा रहे, इसका मतलब वो जो हमारे डेट्स हैं वो बैड हो गए, उसे बोलते हैं बैड डेट्स.
सो डेटर से रिलेटेड एक तो लॉस हो सकता है कि कुछ अमाउंट हमें ना मिले, जिसे हम बैड डेब्ट कहते हैं। बट क्योंकि ये कंपनी को बाय प्रैक्टिस पता चल जाता है कि हर साल एक पार्ट हमारा हमें नहीं मिलता, मे बी 5%, मे बी 6%, तो आप क्या करते हो, क्योंकि ये लॉस है तो इसके लिए शुरू से प्रोविजन बनाना भी शुरू कर सकते हो कि हमें ये पता है कि इस साल के हमारे इतने डेटर्स होंगे और इसमें से 5% यूजुअली हमें नहीं मिलता, तो हम नेक्स्ट ईयर की वेट नहीं करेंगे क्योंकि इस ईयर के डेटर्स हैं, तो इसी ईयर में इसका लॉस प्रोविजन के नाम से लिख दो, जब बाद में एक्चुअल डेटर होंगे तो उस प्रोविजन में से काट देंगे। क्योंकि जब भी हमारे कोई लॉसेज होते हैं तो हमारा कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या कहता है कि उस लॉस के लिए प्रोविजन बना लो, उसको अभी से प्रोवाइड कर दो, उतना लॉस आपको रिकॉर्ड में रख लेना चाहिए ताकि जब एक्चुअली लॉस हो तो जो आपने प्रोवाइड किया होगा ना उसमें से उस लॉस को मीट कर लो, तो उसका इफेक्ट हमारे नेक्स्ट प्रॉफिट पे नहीं जाता। आप समझ रहे हो ये बात? जैसे मान लो आपके डेटर्स हैं 10 लाख के और आपको उन्हें एवरेज पता है 10% लोग तो पैसा देते ही नहीं है, मतलब 1 लाख हमें मिलेगा नहीं, तो अब हम क्या वेट करें कि नेक्स्ट ईयर जब ये 1 लाख रुपीज हमें नहीं मिलेंगे तो वो 1 लाख का लॉस उस ईयर में लिखेंगे? उससे इफेक्ट क्या होगा कि उस ईयर का प्रॉफिट कम हो जाएगा, जबकि वो लॉस बिलोंग करता है इस ईयर का, क्योंकि डेटर्स इस ईयर के थे। ठीक है ना? तो आप एक सही पिक्चर नहीं दिखा रहे हो अपने इन्वेस्टर को, सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो। सो कंपनी लॉ ये कहता है कि बैड डेट्स के लिए पहले से ही प्रोविजन कर लेना चाहिए, बट कितना प्रोविजन करेंगे और करेंगे या नहीं करेंगे ये कंपनी की अपनी पॉलिसी है, क्योंकि जो प्रिंसिपल्स होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स सिर्फ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, तो ये गाइड करते हैं कि प्रोवाइड करो। सो एक्चुअली कंपनी ने प्रोवाइड किया है या नहीं किया है वो एक अलग मैटर हो जाता है। सो जो एडजस्टमेंट है हमारे डेटर्स की और बैड डेट्स की, ये दो कैटेगरीज में स्टडी होती है। नंबर वन है कि व्हेन देयर इज नो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, मतलब आप बैड एंड डाउटफुल डेट्स के लिए कोई प्रोविजन नहीं कर रहे हो, प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, मतलब आप ये मान के चल रहे हो कि जब जब हमारे बैड डेट्स होंगे हम तब तब इनको एज ए लॉस लिख लेंगे, हमें पहले से लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है? तो अब इसका इफेक्ट क्या हुआ? अब हमारे पास इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में हो सकती है? हो सकता है हमारे पास डेटर्स गिवन, ठीक है, और आपके पास कुछ बैड डेट्स भी आ गए। मान लो आपके डेटर्स हैं 50,000 के और आपके पास 4,000 बैड डेट्स हैं। थ्रू आउट द ईयर जिसने पैसा नहीं दिया, मतलब जो बैड डेट हो गए वो 4,000 है। अब हमारे अकाउंट बन गए, ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया, उसके बाद पता चलता है कि एक और पर्सन है जिसने हमें पैसा नहीं देना, वो भी बैड डेट हो गए। सो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एडिशनल बैड डेट्स और मिल गए से 8,000 के। ठीक है? तो हमारी इन्फॉर्मेशन में एडिशनल बैड डेट्स आ गए। अब आपको लग रहा है कि ये तो हर बार का किस्सा है, हर बार हमारे पास बैड डेट्स आ जाते हैं, तो लेट अस प्रोवाइड फॉर दिस, मतलब हम इसका प्रोविजन बनाना शुरू कर देते हैं। तो अभी तक प्रोविजन नहीं था, अभी तक आप प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, तो जितने बैड डेट्स हो गए उनको एज अ लॉस लिख दे। लेकिन अब आप चाहते हो कि आप क्रिएट करो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ठीक है? अब इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी? सपोज ये हम 10% करना चाहते हैं। अब पहले तो आप अपने बैड डेट्स जो आ गए एडिशनली उनकी एंट्री पास करो। तो अगर हमारे पास और बैड डेट्स हो गए, इसका मतलब अब हमारे बैड डेट्स बढ़ गए और हमारे डेटर्स कम हो गए। ठीक है ना? ये 4,000 नहीं माइनस करेंगे क्योंकि ये तो एंटर्ड है, इसकी एंट्री कर चुकी हो तभी ये आया है, ये एक्स्ट्रा था इसको रिकॉर्ड कर लिया, तो बैड डेट्स और बढ़ गए और डेटर्स का अमाउंट कम हो गया। अब प्रोविजन अगर हमें 10% करना है तो कितने डेटर्स बने? अब हमारे पास डेटर्स बचते हैं 50 - 8, मतलब 42,000। तो अब हमें 4,200 का प्रोविजन और करना पड़ेगा। ठीक है? तो अब हमारी एंट्री क्या होगी? नंबर वन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या लिखते हैं? लॉस। तो अदर एक्सपेंसेस में हम लिख देंगे टोटल कितना लॉस हुआ। तो हमारे बैड डेट्स कितने हो गए? 4,000 पहले से थे, 8,000 और हो गए, तो 12,000 तो हमारे बैड डेट्स हो गए। साथ में अब से हम प्रोविजन भी बना रहे हैं, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। अब बना रहे हैं प्रोविजन 4,200, तो अदर एक्सपेंसेस में हमारा ये 16,200 आ जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है ये बात? एक तो ये लॉस हो गया, 4,000 पहले से था, 8,000 और पता चल गया, उसको भी लिख दिया। अब जो डेटर बचे उस पर प्रोविजन भी बनाना है, तो प्रोविजन बना दिया।
अब बैलेंस शीट में डेटर्स कैसे आएंगे? करंट एसेट्स के अंदर जब डेटर्स की मतलब आप कैटेगरी लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल, तो इनका बैलेंस है 50,000, जिसमें से आपने एडिशनल बैड डेट्स और माइनस कर दिए, क्योंकि जब पता चला लॉस का माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो प्रोवाइड ही नहीं किया हुआ था ना इसके लिए। सो 42,000। अब आप प्रोविजन बनाना चाहते हो, सो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 4200। तो आपके पास कितना अमाउंट इसमें बच जाएगा, जो यहाँ पे आएगा 37,800। सो नोट के थ्रू ये दिखाएंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारी वर्किंग क्या हुई, हम P&L में अदर एक्सपेंसेस में क्या लिखते हैं, इसकी वर्किंग क्या है। अदर एक्सपेंसेस में हमें बैड डेट्स लिखने होते हैं, कौन से, जो ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं प्लस जो एडजस्टमेंट में दे रखे हैं। सेकेंडली, जो हम प्रोविजन बना रहे हैं, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स करेंट ईयर का, वो भी साथ में लिख देंगे। तो ये टोटल हमारा अदर एक्सपेंसेस में आएगा, और बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में क्या आएगा, डेटर्स, और सिर्फ एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट जाने तो एडिशनल बैड डेट्स लेस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो ये डेटर्स दे रखे हैं, इसमें से एडिशनल बैड डेट्स माइनस करो, जो बच गया उस पर प्रोविजन बनाओ, और फिर फाइनल अमाउंट आप बैलेंस शीट में शो कर दोगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसकी वर्किंग करते हैं, क्योंकि हमने कोई प्रोविजन बना नहीं रखा था। अब इसको एक एग्जांपल के साथ भी समझ सकते हैं। मान लो हमारे पास है डेटर्स है 1,00,000 के, बैड डेट्स है 10,000 के, ये पहले से दे रखा है, ये एडिशनल है, तो ये रिकॉर्डेड है। अब एडिशनल बैड डेट्स है, मान लीजिए हमारे पास सपोज हमने ले लिया 8,000, ठीक है, और बैड डेट्स आ गए 8,000 के, और अब कह रहे हैं प्रोविजन भी करना शुरू कर दो। सो हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाएगा और बैलेंस शीट में क्या जाएगा। सो बैलेंस शीट में करंट एसेट्स के अंदर हम जब डेटर्स लिखेंगे, तो डेटर्स का बैलेंस है 1,00,000। अब एडिशनल बैड डेट्स हो गए, तो इनको भी रिकॉर्ड करो, बैड डेट्स रिकॉर्ड हुए 8,000, अब ये 8,000 डेटर में से कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कोई प्रोविजन नहीं है, इसे डेटर में से माइनस कर देंगे। सो लेस एडिशनल बैड डेट्स। ये लॉजिकली समझने वाली बात है, रटे नहीं लगाने हैं। दो तरह के बैड डेट्स हैं, हम एडिशनल को माइनस करेंगे, रिकॉर्डेड को नहीं करेंगे, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्डेड है, मतलब इसकी एंट्री हो चुकी है। तो ये जो डेटर अमाउंट 1,00,000 आ रहा है ना, ये एक्चुअली इस एंट्री के बाद ही आ रहा है, तो डबल एंट्री थोड़े ना, दोबारा से रिकॉर्डिंग थोड़े ना करनी है। लेस प्रोविजन, सो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना हो जाएगा, अब हमें बनाना है 10%, सो 9,200, ठीक है। तो हमारा यहां पे आ जाएगा 82,800, और P&L में कैसे जाएगा, P&L में हमारे अदर एक्सपेंसेस के अंदर हम लिखेंगे बैड डेट्स। अब ये भी लॉस है, ये दोनों लॉस है, ये ट्रायल बैलेंस में, ये एडिशनल, प्लस हमें प्रोविजन करना है कितना 9,200 का, सो 27,200 ये हमारा P&L में जाएगा और ये बैलेंस शीट में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसकी एंट्री होती है। अब सेकंड केस समझो, ये केस वन था जब प्रोविजन किया नहीं हुआ। अब नेक्स्ट ईयर से क्या होगा, नेक्स्ट ईयर से आपने प्रोविजन बनाया हुआ है, ये प्रोविजन आपके पास अवेलेबल है। सो सेकंड केस क्या हो गया, व्हेन देयर इज प्रोविजन एग्जिस्टिंग इन द बुक्स। अब आप कॉन्टिन्यूएशन में इसको समझने की कोशिश करो। सपोज हम इसी ईयर को कॉन्टिन्यू करते हैं, अब नेक्स्ट ईयर क्या सिनेरियो होगा, मतलब इस ईयर का नेक्स्ट ईयर आपके पास प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऑलरेडी पड़ा हुआ है 4200। अब सपोज इस ईयर के आपके डेटर्स हैं 60,000 के, और बैड डेट्स आपके पास हैं सपोज 4,000 के, ठीक है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको बताया, एडिशनल बैड डेट्स हो गए आपके से 5,000 के, और अब आपको प्रोविजन क्रिएट करना है फॉर बैड डेट्स सेम से एट द रेट ऑफ 10%। अब क्या सिनेरियो होगा, अब एडिशनल बैड डेट्स आपने बना दिए 5,000 आ रहे हैं,
तो जब आप ये बेड डेट्स की रिकॉर्डिंग करोगे तो आपके बेड डेट्स बन गए 5000 और ये डेटर में से भी कम हो गए। रिकॉर्ड कर दिया ना, बेड डेट्स लिख दिए, डेटर में से कम कर दिए, ठीक है ना, एंट्री हो गई। अब हमें प्रोविजन क्रिएट करना है, तो प्रोविजन किस पे क्रिएट होगा, ये 55,000 के डेटर बचे इन पे प्रोविजन क्रिएट हो जाएगा। सो हमारा प्रोविजन फॉर बेड डेट्स कितना आ जाएगा, 10% ऑफ 55,000, 5500। ये ध्यान से समझो, ठीक है। तो प्रोविजन आ गया, पहले हमने बेड डेट्स की एंट्री की, तो डेटर में से कम करो, बेड डेट्स में लिख दो, अब प्रोविजन क्रिएट कर दो। अब जो बैलेंस शीट है उसमें कोई चेंज नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट में इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि हमारे पास प्रोविजन था या नहीं था, क्योंकि बैलेंस शीट में हमारे डेटर्स हैं 60,000 के, इसमें से एडिशनल बेड डेट्स हमने कम किए कितने, 5,000 के, तो हमारे पास 55,000 बच गया, ठीक है। और इस बार हमें प्रोविजन कितने का करना है, 5500 का, सो 49,500 आ गया। तो बैलेंस शीट में तो सेम चीज रहेगी। कमिंग टू इनकम स्टेटमेंट, अब लिखो अदर एक्सपेंसेस। अब अदर एक्सपेंसेस में हमारे पास बेड डेट्स हैं 4000 प्लस एडिशनल बेड डेट्स हो गए 5000, जब हमारे हो गए 9000। पहले हम क्या कर रहे थे, ये सारा 9000 अदर एक्सपेंसेस का पार्ट बन रहा था, बट अब क्या होगा, अब ये हमारे एक्सपेंसेस का पार्ट नहीं बनेगा। लिख रहे हैं लेकिन पूरा नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इस तरह के लॉस को मीट करने के लिए, इस तरह के लॉस को एडजस्ट करने के लिए हमने पहले से प्रोविजन कर रखा था। हमें पिछले साल भी पता था, उससे पहले भी हमें पता है कि इस तरह के लॉसेस होते हैं, तो इस लॉस को एडजस्ट करने के लिए हमने पहले से ही प्रोविजन किया हुआ है। प्रोविजन टर्म कहां से आते हैं, प्रोवाइड करो, प्रोवाइड करना मतलब वर्ब, तो जब प्रोवाइड कर दिया मतलब प्रोविजन कर दिया, तो इसके लिए हमें पहले से 4200 तो हम प्रोवाइड कर चुके हैं, इसका मतलब हमारा जो प्रोविजन अवेलेबल है 4200, तो हमारा लॉस ज्यादा हो गया डेफिनेटली, बट 4200 तो हमने पहले से लिख रखा था, तो इसका मतलब अब हमें सिर्फ 4800 का लॉस ही प्रोवाइड करना है, क्योंकि ये पहले से हमने प्रोवाइड कर रखा था। अब सपोज आपके एडिशनल बेड डेट्स होते ही ना, तो आपका एडिशनल बेड डेट्स नहीं है तो 4000 ही होता, आपने 4200 प्रोवाइड कर रखे है तो 200 रुपए बच जाते, ठीक है ना। ये ऐसे होता है जैसे आप कहीं जा रहे हो मान लो, और आपको एक्सपेंसेस के लिए हमने 4200 प्रोवाइड कर दिया कि आप जहां जा रहे हो जाने आने में सब चीज में आपको खर्चा लगेगा, पैसा लगेगा, तो आप 4200 रख लो। अब जब आप गए और एक्चुअल में एक्सपेंडिचर किया तो आपका 9000 लग गया, तो आपको कमी पड़ गई ना, आप 4800 एक्स्ट्रा आपको अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। तो अब आप आके हमसे कहोगे कि देखो ये तो ज्यादा लग गया, ये दे दो। तो यही हम इनकम स्टेटमेंट में कर रहे हैं कि ठीक है तुमने प्रोवाइड किया था पिछले साल 4200, बट हमारा तो लॉस ज्यादा हो गया है, तो बाकी का अब राइट ऑफ करो, तो 4800 इस साल में आ जाएगा। बट अगर ये 5 नहीं होता, 4 ही होता, तो तब ये कहते कि 200 बच गया, भाई मैंने 4000 लॉस नोट किया, बीच में से मैं ये एडिशनल काट रही हूं, ठीक है, और मैंने प्रोवाइड किया हुआ था 4200, तो 200 तो बच गया ना, वो नेगेटिव में आ जाता, वो निकलेगा, तो यहाँ पे 200 नेगेटिव, अब खर्चा पड़ गया वो 200 बच जाता। तो अब जब एक्सपेंडिचर ऐसे लिख रहे हैं तो जो बच गया वो माइनस में। अब प्रोवाइड करो करंट ईयर के लिए, तो करंट ईयर के लिए तो जैसे पिछली बार प्रोवाइड किया था पिछले केस में, इस बार भी करेंगे, ठीक है। डिफरेंस कहां पे आया, डिफरेंस इस चीज पे आया कि जहां हम पिछले बार पूरे बेड डेट्स एक्सपेंसेस में लिख रहे थे, इस बार आप पूरे बेड डेट्स एक्सपेंसेस में नहीं लिखोगे, जिसके लिए हमने पहले से प्रोविजन कर रखा है उतना काट दो, अगर और खर्चा पड़ रहा है तो उसे खर्चे में ऐड कर दो, और अगर कुछ पैसा बच रहा है तो उसको लेस कर दो। तब ये होता कि 200 बच गया तो वो नेगेटिव में कर देते कि ये तो बचा है, तो अब हमें प्रोविजन जब बनाना है 5500 का, तो हम ये कहते कि 200 तो पहले से बचा हुआ है, अब 5500 बनाने तो 200 तो पहले से पड़ा है ना, तो बाकी के डिफरेंस का 5300 का बनता। फिर इन दैट केस ये होता अगर ये चीज ना होती, तो 4000 प्रोविजन 4200, तो हमारा 200 रुपए बच गए। आप यही कहोगे ना कि प्रोविजन में 200 रुपए बच रहे हैं, तो अगर इस बार 5500 का प्रोविजन करना है तो हमें एक्चुअली सिर्फ 5300 ही और देना पड़ेगा, ठीक है। इसको एक्सपेंसेस के साथ जोड़ के इजीली समझ सकते हो,
कि आपको 4,200 प्रोवाइड किया, प्रोवाइड मतलब आपको दे दिया कि ये लोग 4,200 है, इस तरह के खर्चे में इतना हो जाता है। रियलिटी में आपका खर्चा सिर्फ 4,000 हुआ। अब आपके पास 200 रुपए पहले से पड़े हुए हैं, ये बच गए हैं आपके पास। अब नेक्स्ट टाइम जब ये एक्सपेंडिचर होना है, हमने आपको बोला कि इस बार 5,500 का हमारा एस्टिमेट है, इतना प्रोवाइड करना है, तो आप कहोगे 200 तो पहले से मेरे पास पड़ा हुआ है तो मुझे तो बाकी का दे दो, तो आप उसको 5,300 बाकी का दे दोगे। सो जब हमारे पास प्रोविजन ऑलरेडी अवेलेबल होता है तो उसका इफेक्ट कहाँ जाता है, सिर्फ एक ही जगह, कि जब ये एक्सपेंस हमें लिखना है, बैड डेट्स एज एन एक्सपेंडिचर लिखने हैं, तो टोटल नहीं लिखेंगे, जितना हमने पहले से प्रोवाइड कर रखा था उसको निकाल दो, बाकी जितनी जरूरत है उतना लिखो, क्योंकि हमने प्रोविजन कर रखा है, तो ये सारा हमारा इस साल का एक्सपेंडिचर नहीं है। समझ गए, यहाँ पूरा एक्सपेंडिचर आ गया था क्योंकि यहाँ प्रोविजन ने कर रखा था, अब से आप प्रोविजन कर रहे हो तो जितना पहले से प्रोविजन अवेलेबल है उसमें से वो खर्चा काट दो, क्योंकि वो इसी के लिए रखा था, बाकी का डालो। जब आप बुक्स में करते हो ना, तो बुक्स में देखोगे आपको क्या बताया होगा, आपको बैड डेट्स जो है वो अलग से लिख दो और प्रोविजन से प्रोविजन कंपेयर करके लिख देते हैं कि कितना डाला कितना निकाला। ठीक है, वो भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर तो आ जाएगा, बट वो लॉजिकल नहीं है, क्योंकि लॉजिक क्या कहता है कि जब इस तरह के लॉस के लिए हमने प्रोविजन कर रखा है तो इस लॉस को हम इनकम स्टेटमेंट में क्यों दिखाएं। ठीक है ना, जब इसके लिए पैसा अलग से रखा हुआ है तो फिर इसको उसी में से एडजस्ट करें ना। हाँ, अगर जरूरत पड़ती है और तो डालो, नहीं तो नहीं। ठीक है, सो अब हम एक और एग्जांपल को जो हमने पहले किया था उसको और कंटिन्यू करते हैं। अब सपोज सेम केस में अगर हमारे पास प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स होता, ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स होता, सपोज हमारे पास 12,000, ठीक है, तो क्या सिनेरियो होता है? एक 12,000 से लेंगे, एक 20,000 से लेंगे, दो सिनेरियो लेते हैं। अब बैलेंस शीट में आ जाओ, सबसे पहले एडिशनल बैड डेट्स है 8,000, तो तुम्हारे बैड डेट्स बढ़ गए और डेटर्स कम हो गए, इसका मतलब हमारे अब जो डेटर्स हैं 1,00,000 के, उसमें एडिशनल हमारे बैड डेट्स 8,000 के और चले गए, तो 92,000 के डेटर बचे। अब इस पे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बनाओ, कितना 10%, इस ईयर का 10% बनाना है 9,200। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एज इट इज ही आना है, चाहे प्रोविजन है या नहीं है इससे कोई मैटर नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट में तो करंट ईयर के फिगर ही लेने हैं, पिछले साल क्या था उससे हमें कुछ नहीं लिखना, वो उस ईयर की बैलेंस शीट में गया है, यहां नहीं आएगा। तो चाहे हमारा प्रोविजन 12 है या 20 है इससे कोई मतलब नहीं है, बैलेंस शीट में तो करंट ईयर का डाटा आना है, वो आ गया। अब आ जाओ इनकम स्टेटमेंट पर, तो उसमें अदर एक्सपेंसेस में कैसे लिखेंगे। अब क्या है, आपके पास बैड डेट्स कितने हैं, 10,000 पहले से थे और एडिशनल और आ गए 8,000, तो टोटल बैड डेट्स है 18,000। अगर हमारे पास प्रोविजन ना हो तो ये सारा एक्सपेंस है, लेकिन क्योंकि हमने तो प्रोविजन बना रखा है, कितना बना रखा है, हमने बना रखा है 12,000, तो 18 में से 12 का तो हमने पहले से ही सोच रखा था, तो कितना एक्स्ट्रा हमारा लॉस हुआ, हमारा एक्सपेंडिचर सिर्फ 6,000 का पड़ा, और इस ईयर का हमें प्रोविजन जो करना है करेंट ईयर के लिए, जो अब हम करेंट ईयर की रिकॉर्डिंग करेंगे 9,200, सो 15,200। ठीक है, और अगर यही हमारे पास प्रोविजन होता 20,000 का, जैसे मैंने दूसरा एग्जांपल क्या लिया, 12 की जगह 20 का प्रोविजन होता, तो आप क्या कहते हैं, 18,000 का हमारा टोटल बैड डेट है, लेकिन इसके अगेंस्ट तो हमने प्रोविजन 20 का कर रखा था, तो अब हमारा एक्सपेंडिचर बचा या प्रोविजन बचा, तो अब हमारे पास प्रोविजन लेफ्ट है 2000 का प्रोविजन बच गया। ठीक है, अब प्रोविजन करना है करेंट ईयर के लिए 9,200 का, तो 2000 तो हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है और 9,200 का करना है, तो दैट मीन्स अब हमें 7,200 का ही नेट एक्सपेंडिचर या प्रोविजन की जरूरत पड़ेगी।
ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ये लॉजिकली समझोगे तो बहुत क्लियर है। 18 का एक्सपेंडिचर है, 20 तुम्हारी पॉकेट में पहले से डाल रखा है कि इस तरह के लॉसेस के लिए ये 20,000 रुपए रख लो। तो आप 18 लॉस लिखने के बाद भी कहोगे अरे अभी भी 2,000 बच गया। अब जब आपको कहा जा रहा है कि करंट ईयर के लिए 9,200 ले लो, तो आप कहोगे 2,000 तो मेरे पास पहले से पड़ा है, तो मैं 7,200 और दे दो ताकि मेरा टोटल 9,200 बन जाए। तो ये प्रोविजन के अगेंस्ट हमें एक्सपेंस और इस बैड डेट लॉस को लिखना होता है। ऑलराइट, सो आई होप ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का केस आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हमारी दो एडजस्टमेंट्स जो है नेक्स्ट बचती हैं। ये 8th हमने की है ना, 1 to 8 हमने कर लिया। 9th होगी हमारी मैनेजर की कमीशन और एक होगा हमारा प्रोविजन फॉर टैक्सेस। प्रोविजन फॉर टैक्सेस भी हमारा काफी डिटेल में जाता है क्योंकि कंपनीज में इसके थोड़े से अलग रूल होते हैं, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैव डन फ्रॉम फॉर सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप में जो आपने पढ़ा ना, उनसे थोड़े से अलग रूल होते हैं। सो हम ये दोनों पॉइंट्स करेंगे एक एक करके इन डिटेल नेक्स्ट टाइम। सो आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू यू और आपको ये समझ में आ रहा है। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।